घर सबसे पहले अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता यार, बाहर बारिश हो रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना रोकूंगा यार नॉइज को, जितना मैं रोक सकता था उतना मैंने रोकने की कोशिश करी, लेकिन गाइज बारिश हो रही है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पोटैटो ग्राफिक्स को इनेबल कैसे करते हैं, क्योंकि ये बंदे ने पूछा था कि भाई तुम इतने कम ग्राफिक्स कैसे कर लेते हो कि तुम्हें परफॉर्मेंस मिल जाती है, यहाँ पे इसने पूछा था हाउ डिड यू इनेबल। तो भाई मैंने उसको बोला कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा इससे रिलेटेड, एक से डेढ़ वीक हो चुका है गाइस मैंने उसको बोला था, लेकिन यार सॉरी मैं नहीं बना पाया। उसके बाद मैंने उसे बोला कि ठीक है यार जल्दी बनाऊंगा मैं, लेकिन मैं नहीं बना पाया सॉरी उसके लिए। तो मैं आज लेके आ चुका हूँ उसी बंदे के लिए वीडियो, या फिर आप में से किसी को भी उस चीज़ की ज़रूरत है तो यार बहुत बढ़िया, आप सही जगह आए हो, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। तो गाइस GFX टूल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस अगर आप रिजोल्यूशन कम कर देते हो, गाइस अगर आप रिजोल्यूशन कम कर देते हो तो थोड़े कम आपको दिखाई देंगे पिक्सल्स, लेकिन गाइस आपको जब परफॉर्मेंस मिलेगी वो तबाही मिलेगी। लेकिन गाइस मैं इसको नहीं करता क्योंकि गाइस इससे काफ़ी ज़्यादा घटिया हो जाता है दिखने में। तो यार यहाँ पे जो ग्राफिक्स हैं उनको आप स्मूथ HD कर दो अगर आपके पास तीन से चार जी बी रैम का फ़ोन है, नहीं तो आप 100 स्मूथ पे रखो अगर आपके पास 2 GB रैम का फ़ोन है, आपको 15 से 20 FPS तो मिल ही जाएंगे। गाइज मेरे में 15 से 20 FPS आ जाते हैं, लेकिन यार मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो उस टाइम पे मेरे को नहीं मिल पाते यार। और यहाँ पे आप 30 FPS सिलेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटी अलाइजिंग को डिसेबल करना है, और फिर यहाँ पर स्टाइल्स को जो आप चाहो, गाइज यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। और बाकी यहाँ गाइज यहाँ पे लो और जो बाकी सब जैसा भी है गाइज वैसा ही रहने दो, फालतू में छेड़ने की ज़रूरत नहीं है गाइज, फालतू के ड्रामे होंगे। और एंडिंग में गाइज यहाँ पे आपको दिखेगा सेव कंट्रोल्स, तो यार यहाँ पे आपको इसे इनेबल कर देना है, इससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो मतलब जो आपकी सेटिंग्स होती हैं गाइज वो ये सेव कर देगा, नहीं तो गाइज अगर आप इसको इनेबल नहीं करते तो सेटिंग्स आपकी सेव नहीं होंगी। तो गाइज मेरे को तो ऐसे ही लगता है, नहीं तो गाइज होता नहीं है मेरे, मतलब अगर मैं इसको नहीं ऑन करता हूँ तो मेरी सेटिंग्स सेव नहीं होती हैं। तो गाइज बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है पीछे से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है गाइज, देखो अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है कि मुझे कैसे मिलती है, तो गाइज यहाँ पे आपको आई बटन में ऊपर लिंक दिख रहा होगा पॉपअप होता हुआ, गाइज उस पर क्लिक कर दो तो यार आपको आप वीडियोस देख सकते हो मेरी, जिसमें परफॉर्मेंस आपको पता चलेगी। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, आपके भाई ने आपके लिए वीडियो बनाई है इस चीज़ से रिलेटेड। तो यार इसके बाद ना लाइक करने के बाद यार चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, हमें जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। तो यार काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ बट यार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो यार सपोर्ट मारो यार, क्या कर रहे हो आप लोग। तो चलो यार अब मिलेगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जानते हो यार बाय।